हेलो ऑल, माय नेम इज संदीप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकली क्लाइंट क्रेडेंशियल ग्रांट टाइप विद रिफ्रेश टोकन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ऑथराइजेशन कोड और पासवर्ड ग्रांट टाइप, जिसमें टोटल 4 एक्टर्स इन्वॉल्व होते थे। लेकिन अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा डायग्राम में, यहाँ पे सिर्फ 3 एक्टर्स ही हैं। हम एक्टर्स के लिए बोल रहे हैं, जैसे रिसोर्स ऑनर, यूजर, आपका क्लाइंट और ऑथराइजेशन सर्वर, रिसोर्स सर्वर, इन्हें हम लोग बेसिकली एक्टर्स बोलते हैं, राइट। तो क्लाइंट क्रेडेंशियल ग्रांट टाइप में ये 3 एक्टर्स ही इन्वॉल्व होते हैं, क्लाइंट, ऑथराइजेशन सर्वर, रिसोर्स सर्वर। अब गाइस, क्या होता है कि क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स सर्वर से किसी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, तो वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे भी एक्सेस टोकन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। विदाउट टोकन क्लाइंट कोई भी रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकता है फ्रॉम द रिसोर्स सर्वर। तो क्या करता है कि वो इंट्रैक्ट करता है ऑथराइजेशन सर्वर से, बोलता है भाई मुझे एक्स वाई जेड नाम का रिसोर्स एक्सेस करना है, तो मुझे एक टोकन की ज़रूरत है, तो आप मुझे टोकन प्रोवाइड करो, ऑथराइजेशन सर्वर से बोलता है। तो ऑथराइजेशन सर्वर कहता है कि मुझे क्रेडेंशियल चाहिए। अब यहाँ पे जो क्रेडेंशियल की बात हो रही है, वो क्लाइंट का क्रेडेंशियल मांग रहा है, ना कि ऑन बिहाफ ऑफ यूजर क्रेडेंशियल। मतलब कि जो पुराने वाले जैसे ऑथराइजेशन कोड या फिर पासवर्ड ग्रांट टाइप की बात करूँ, तो वहाँ पे क्या होता था कि यूजर्स का क्रेडेंशियल एक्चुअली प्रोवाइड होता था ऑन बिहाफ ऑफ यूजर, राइट। लेकिन यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ यूजर नहीं, यहाँ पे खुद क्लाइंट का क्रेडेंशियल प्रोवाइड करना है ऑथराइजेशन सर्वर को, ठीक है, उससे वैलिडेट करते हुए। देन वो जो है, क्योंकि ऑथराइजेशन सर्वर पे उस क्लाइंट का क्रेडेंशियल उसको रजिस्टर किया जाता है, राइट। फिर फर्दर वो जो ऑथराइजेशन सर्वर है उसे रिस्पॉन्स के रूप में एक्सेस टोकन इशू करके देगा, और उस एक्सेस टोकन को यूज करते हुए वो रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स सर्वर को रिसोर्स एक्सेस करने के लिए, और रिसोर्स सर्वर पे उसे वैलिडेट किया जाएगा, जो कि हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। और उसे वैलिडेट करने के बाद फर्दर उसे अलाउ कर देगा कि भाई हाँ, अभी तुम इस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो। दिस इज अ वेरी बेसिक फ्लो ऑफ क्लाइंट क्रेडेंशियल ग्रांट टाइप। चलिए इसे प्रैक्टिकल देखते हैं, और साथ ही साथ रिफ्रेश टोकन का कॉन्सेप्ट भी प्रैक्टिकली इसी वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू दिस। अभी हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पुराना वाला प्रोजेक्ट है उसी एग्जिस्टिंग कोड में हम लोग फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस वाली वीडियो देख रखे होंगे तो आपको बेसिकली ये चीज़ समझ में आ रही होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ गाइस, मैं लेट्स से कि मैं क्लाइंट क्रेडेंशियल यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्लाइंट क्रेडेंशियल को कॉन्फिगर करूँगा ऑथराइजेशन सर्वर पे। लेट्स से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लेट्स से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहीं पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। वेरी सिंपल, ओके, वेरी सिंपल। और इसका नेम रख देता हूँ लेट्स से प्रोग्राम 3, और यहाँ पे पासवर्ड लेट्स से कुछ भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, लेट्स से 111। और यहाँ पे ये हमारा है क्लाइंट क्रेडेंशियल, क्लाइंट क्रेडेंशियल्स, ओके। सो दिस इज माय ग्रांट टाइप, राइट, जो कि हम लोग जिसका फ्लो अभी समझा है हम लोगों ने जस्ट, ओके ओके। और यहाँ पे आप कोई भी स्कोप दे सकते हो, इन्फो रख सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है स्कोप के टाइम पे, जो कि बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, ओके। ये मैंने कर दिया बहुत ही सिंपल सा। तो इतना सा कॉन्फिगर करना था और कुछ नहीं करना है, क्लाइंट क्रेडेंशियल रेडी है। और चलिए इसको रन करके देखते हैं गाइस कैसे एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको रिलॉन्च करना है, आई मीन इसको रन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस क्या करूँगा मैं, अपना व्हाट इज पोस्टमैन एक्चुअली ओपन करूँगा, ओके राइट, ओके। यहाँ पे लेट्स से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे नए टैब पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये एंड पॉइंट्स है जिस पे जिस एंड पॉइंट से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट होगा, ठीक है, क्लाइंट एप्लीकेशन का जो ग्रांट टाइप है क्लाइंट क्रेडेंशियल का, विच इज क्लाइंट, क्लाइंट क्रेडेंशियल्स, ओके। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा ग्रांट टाइप, और यहाँ से आप स्कोप ले सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम आ रही तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखोगे ऑटोमेटिकली ऊपर चेंज होता रहेगा। तो चाहे ऊपर लिखो, चाहे यहाँ लिखो, चाहे क्वेरी स्ट्रिंग वहाँ से बनाओ, चाहे यहाँ पे फॉर्म पे पास कर दो, तो यहाँ पे लिखो ग्रांट टाइप और यहाँ पे वैल्यू पास कर दो, यहाँ पे स्कोप, यहाँ पे वैल्यू, राइट। और यहाँ पे वैल्यू हमारी इन्फो है, ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये सिंपल सा था गाइस रिक्वेस्ट, और क्योंकि हम लोग सीधे सीधे क्लाइंट अपना क्रेडेंशियल प्रोवाइड करेगा ऑथराइजेशन सर्वर को, और उसके बिहाफ पे क्रेडेंशियल क्लाइंट को मिलेगा, आई मीन एक्सेस टोकन क्लाइंट को मिल जाएगा, और उस एक्सेस टोकन के बिहाफ पे हम रिसोर्स सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे रिसोर्स ऑनर का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3 एक्टर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिक ऑथ, जिसमें हम लोग
यू नो प्रोग्राम थ्री कर दिया, और यहाँ पे लेट से पासवर्ड है, पासवर्ड मैंने डाल दिया PR1111, और यहाँ पे लेट से शो करके दिखाई देता हूँ, राइट, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे अगर मैं हिट करता हूँ तो यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे मेथड नॉट अलाउड, रिक्वेस्ट मेथड नॉट सपोर्टेड, ओके ओके, क्लाइंट क्रेडेंशियल्स, राइट, स्कोप इज इन्फो, ओके ओके, माय मिस्टेक इज गाइस, यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट है कि नॉट गेट, तो ये मेरे से हर बार गलती होती है, तो मेक श्योर पोस्ट रिक्वेस्ट बना लो, और यहाँ पे देन हिट करते हैं तो यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे मुझे टोकन मिल जाता है, एक्सेस टोकन, वेरी इजी स्टेप्स हैं, राइट, वेरी इजी फ्लो यू कैन से इन केस ऑफ क्लाइंट क्रेडेंशियल ग्रांटेड। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो टोकन है उसकी जो लेंथ है काफ़ी स्मॉल होती है इन जनरल, लेकिन आपने जनरली देखा होगा किसी प्रोजेक्ट में अगर आपने वर्क किया होगा तो क्या होता है कि जो एक्सेस टोकन होता है वो काफ़ी लेंदी होता है, उसकी लॉन्ग स्ट्रिंग में मतलब कि काफ़ी लेंदी होता है, राइट, तो उसको भी कस्टमाइज किया जा सकता है, राइट, तो आपने जो देखा है उसको भी कस्टमाइज किया जा सकता है, लेकिन पैरेलली अभी इतना ही वो शॉर्ट टोकन जनरली जनरेट करता है, और हर टोकन का एक एक्सपायरी टाइम होता है गाइस, और ये टोकन टाइप का एक यू नो स्पेशल है जो कि बाद में डिस्कस करेंगे, बहरहाल के लिए बेहतर है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपायर टाइम मतलब कि हर एक टोकन कुछ समय के बाद एक्सपायर हो जाता है जिसको आप दोबारा से यूज़ नहीं कर पाओगे, राइट, तो ये बेसिक चीज़ थी और इसको इन्फो था, राइट, वेरी सिंपल, तो काफ़ी सिंपल फ्लो था। एंड नाउ गाइस अब बात करते हैं कि अगर हम लोग बात करें रिफ्रेश टोकन ग्रांट टाइप को, तो रिफ्रेश टोकन ग्रांट टाइप को एक चीज़ हमेशा याद रखना, रिफ्रेश टोकन ग्रांट टाइप हमेशा किसी ना किसी अदर ग्रांट टाइप के कॉम्बिनेशन के साथ ही यूज़ होता है, राइट, लेट्स से कि मैं यहाँ पे पासवर्ड वाले के केस में चेंज करके दिखाता हूँ, तो मतलब कि यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे फर्दर आप रिफ्रेश टोकन ग्रांट टाइप यूज़ करोगे, कहने का मतलब है इस ग्रांट टाइप, ये एक तरह का स्पेशल ग्रांट टाइप कह लो या फिर कुछ भी बोलो, ठीक है, ये स्पेशल टाइप का ग्रांट टाइप है, ये जब भी यूज़ होगा किसी ना किसी अदर ग्रांट टाइप के कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ होगा, लेट्स से पासवर्ड के साथ रिफ्रेश टोकन या फिर ऑथराइजेशन कोड के साथ आप ग्रांट टाइप यूज़ कर रहे हो रिफ्रेश टोकन, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कॉमा देकर रिफ्रेश टोकन यूज़ कर सकते हो लाइक दैट, लेकिन बहरहाल के लिए एक के साथ अभी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, एग्जांपल करके दिखाते हैं, तो लेट्स से पासवर्ड के साथ और कुछ नहीं करना है, सेव करना है, रिफ्रेश करना है एंड वापस आते हैं गाइस, तो देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं रिफ्रेश टोकन से, ठीक है, और क्या बेसिक बेनिफिट है गाइस, तो लेट से ये पुरानी वाली रिक्वेस्ट है इसी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, इसका ग्रांट टाइप क्या है, पासवर्ड है, राइट, ऑथराइजेशन वही होगा, तो लेट से इसी रिक्वेस्ट को हिट कर देते हैं, ठीक है, प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने ये प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो गाइस मैंने उसी रिक्वेस्ट को हिट किया, तो यू कैन सी हियर यहाँ पर रिस्पॉन्स के रूप में एक लिटिल टाइनी सा चेंजेस है, यहाँ पे रिफ्रेश टोकन भी रिटर्न होता है। अब इस रिफ्रेश टोकन का बेसिक यूज़ क्या, जैसा कि गाइस मैंने बोला कि हर टोकन का एक एक्सपायरी टाइम होता है, और वो एक्सपायर होने के बाद जो उसका टाइम लिमिट है वो ख़त्म होने के बाद इस टोकन को आप दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते, और अगर रीयूज़ करना है बेसिकली रीयूज़ नहीं कर सकते, राइट, तो उस केस में क्या होता है कि आपको फिर से फर्दर टोकन जनरेट करना पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा, जिसमें उसी सेम स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, उन्हीं एक्टर्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा आपको दोबारा से यू नो अपना एक्सेस टोकन जनरेट करने के लिए, राइट, तो रिफ्रेश टोकन बोलता है कि मेरे को यूज़ करो और आप क्विकली दोबारा से अपना एक्सेस टोकन जनरेट कर लो, तो ये शॉर्टर वे कह लो, एक क्विक वे है जिसकी मदद से आप जल्दी से दोबारा से एक एक्सेस टोकन जनरेट कर सकते हो, सो ये एक यू नो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप दोबारा से एक्सेस टोकन जनरेट कर पाते हो, बस यही है रिफ्रेश टोकन और कुछ भी नहीं स्पेशल इसमें, बाकी की आगे की वीडियो में देखेंगे, थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाएंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू टोकन, सो गाइस इस वीडियो में इतना, इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।